आईपीएल 2021 को करवाने के लिए बीसीसीआई पूरी तरीके से अब तैयारी में लग चुकी है। बीसीसीआई के सीईओ ने गाइस यहां पे आईपीएल 2021 को लेके करवाने के लिए गाइस उन्होंने एक खुलासा किया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन खुलासा के बारे में, बीसीसीआई के सीईओ ने क्या क्या बताया है आईपीएल 2021 के बारे में। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में। तो गाइस बीसीसीआई के एक अधिकारी ने, सीईओ ने गाइस यहां पे उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने आईपीएल 2021 को करवाने के लिए दो शेड्यूल जो कि पूरी तरीके से तैयार करवा लिया है, जहाँ पे एक है इंग्लैंड, उसके बाद गाइस एक है यूएई। अब गाइस मैं आप सभी को बता दूँ यूएई क्यों आ रहा है बीच में और यहाँ पे इंग्लैंड क्यों आ रहा है। दरअसल गाइस अब बीसीसीआई ने यहाँ पे यूएई को रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो गाइस अब सितंबर के 14 तारीख को ख़त्म होने वाला है, एंड उसको गाइस अब बीसीसीआई पूरी तरीके से करवाना चाहती है जुलाई अगस्त में। जी हाँ, जुलाई अगस्त में उसको ख़त्म करवाना चाहती है, एंड उसके बाद गाइस अब आईपीएल को स्टार्ट करवाना चाहती है बीसीसीआई। अब अगर गाइस यहाँ पे बीसीसीआई आईपीएल को इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिए तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात तो सारे खिलाड़ी के जो क्वारंटाइन है, सारे इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे पूरी तरीके से, उनका क्वारंटाइन पहले से कंप्लीट रहेगा, एंड जब तक वो टेस्ट सीरीज चलेगी तो उससे पहले यहाँ पे खिलाड़ियों को बुला के पूरी तरीके से गाइस यहाँ पे क्वारंटाइन खत्म करवा दिया जाएगा। बीसीसीआई का ये प्लान है। एंड गाइस अब यहाँ पे इंग्लैंड में आईपीएल हो रहा है तो कुछ क्रिकेट बोर्ड जो कि पूरी तरीके से एग्री नहीं कर रही है, क्योंकि गाइस यहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है यूएई में और उसके बाद गाइस अब आईपीएल होने वाली है इंग्लैंड में। तो गाइस यहाँ पे बीसीसीआई के अधिकारी ने गाइस यहाँ पे इंग्लैंड और यूएई के लिए दोनों शेड्यूल उन्होंने पूरी तरह से रेडी कर लिया है। लेकिन गाइस यहाँ पे सभी क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप यूएई में होता है तो हमारे खिलाड़ी को दो बार क्वारंटाइन कंप्लीट करना पड़ेगा, एक बार इंग्लैंड में जाके कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद एक बार यूएई में जाके कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी कई सफ़ेद तीन दिन के बाद ही वो जो कि क्वारंटाइन उनका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कोविड के केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है, इसीलिए उनका उतना दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन कुछ क्रिकेट बोर्ड का इससे पूरी तरीके से एग्री नहीं कर रही है। अब गाइस मैं आपको बता दूँ बीसीसीआई ने जो दूसरा शेड्यूल रेडी किया है वो है यूएई का। अगर यूएई में आईपीएल को शिफ्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पे यूएई में अब वर्ल्ड कप भी होने वाली है, तो यहाँ पे आईपीएल खत्म होने के बाद यहाँ पे सभी खिलाड़ी जो कि पूरी तरीके से वर्ल्ड कप की तैयारी में लग जाएंगे। तो इससे गाइस यहाँ पे सभी क्रिकेट बोर्ड एग्री कर रही है कि यहाँ पे तैयार किया जाए यूएई का, एंड यूएई में आईपीएल को शिफ्ट करवाया जाए, सभी क्रिकेट बोर्ड का ऐसा कहना है। लेकिन गाइस यहाँ पे बीसीसीआई चाहती है कि इंग्लैंड में आईपीएल को करवाया जाए। अब गाइस यहाँ पे इंग्लैंड को रिक्वेस्ट भी किया है बीसीसीआई ने, एंड इंग्लैंड गाइस उसमें पूरी तरीके से एग्री कर लिया है, एंड उससे उनको बहुत ही ज़्यादा पैसा का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और इससे गाइस यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, उससे गाइस यहाँ पे सब भरपाई बीसीसीआई खुद करने वाली है, सारा पैसे का खेल है और जो कि बीसीसीआई करके दिखा रही है। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप लोग कहाँ पे आईपीएल 2021 को देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।